हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में तो आज हम लोग जो है बहुत ही कंफ्यूजन होने वाला जो है टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारा जो है भाई भार और हमारा द्रवमान में जो है क्या अंतर होते हैं कई लोग जो हैं तो अभी तक इसे जो है एक ही समझते होंगे कि हमारा जो है द्रव्यमान और भार ये सब जो है एक ही बात है ना हालांकि ऐसा नहीं है हमारा जो है द्रव्यमान और भार में बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे इसके बीच जो है लगभग छः से सात अंतर देखने वाले हैं जो कि हमारा जो है चौका देने वाला है तो हमारा जो है द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानते हैं तो देखिए सबसे पहले जो है इसका परिभाषा पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे कि हमारा जो है द्रव्यमान का परिभाषा क्या बताता है तो देखिए हमारा जो द्रव्यमान होता है ये बोलता है कि द्रव्यमान या किसी भी किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को बताता है मात्रा को बताता है यह जो है किसी भी पदार्थ में जो है यानी कि वस्तु में उपस्थित जो है द्रव्य की मात्रा को बताता है यानी कि उसमें जो है मात्रा कितना है यानी कि कितना पदार्थ है है ना इसको बताता है लेकिन अगर भार के बात किया जाए तो भार हमारा जो है वो हमारा जो है बताता है कि किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के पृथ्वी के केंद्र के द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल को क्या बोलेंगे हाँ हम लोग जो है क्या बोलते हैं बताता है लिख देते हैं सिर्फ है ना बताता है देखिए पहला बात तो आप ये समझिएगा कि हमारा जो यहाँ जो है सिर्फ जो है ये द्रव्य की मात्रा को बताता है यानी कि भाई हमारा जो है पदार्थ में कितना हमारा किसी भी द्रव्य का मात्रा है यानी कि भाई कोई भी हमारा वस्तु है जिसमें कितना जो है उसका एक्चुअल में जो है द्रव्य की मात्रा है है ना तो उसको हमारा जो है बताने का काम कौन करता है हमारा जो है करता है द्रव्यमान लेकिन हमारा यहाँ देखा जाए तो किसी भी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र के द्वारा कितना जो हमारा जो, हमारा जो है गुरुत्व बल लगाया गया है इसको बताता है कौन हमारा भार बताता है यानी कि भाई लिख सकते हैं कि यह किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की मात्रा को बताता है यहाँ लिखेंगे लेकिन यह किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के केंद्र के द्वारा लगाया गया गुरुत्व बल को बताता है है ना तो इस तरह से लिख लीजिएगा ये पहला आप लोग को जो है अंतर देखने को मिला दूसरा जो हमारा है इसका सिर्फ परिमाण होता है ना क्या होता है इसका सिर्फ परिमान होता है परिमान होता है देखिए भाई इसमें जो है सिर्फ परिमान होता है परिमान कहने का मतलब जो है भाई उसमें जो क्वांटिटी निहित होगा मात्रा निहित होगा वो सिर्फ़ होगा है ना लेकिन हमारा जो है भाई इसके ठीक यह जो है विपरीत होता है ये इसमें जो हमारा होता है इसमें परिमाण के साथ साथ के साथ दिशा भी होता है है ना क्या होता है दिशा भी होता है यानी कि भाई पहला बात तो समझ लीजिए कि अगर इसको जो है हम लोग जो है अगर जानना चाहें तो सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड से जान सकते हैं लेकिन इसको जानना चाहें तो हम लोग जो है मैग्नीट के साथ साथ जो है हमको जो है डायरेक्शन भी हमारा जो है होना चाहिए है, है ना यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बात किया जाए तो हमारा जो है भार आएगा वेट आएगा है ना लेकिन अगर जो है वनली वन हम लोग जो है परिमाण की अगर बात करें तो हमारा जो है द्रव्यमान आने वाला है तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को कुछ जो है समझ में आ रहा होगा तो भाई जब परिमाण की बात आए तो सिर्फ परिमाण की बात करने वाले हम लोग जो है क्वांटिटी को हम लोग जो है हिंदी में अधिस राशि बोलते हैं तो बोलेंगे कि यह एक अध राशि है अधिस राशि है यह एक आदीस राशि है क्योंकि सिर्फ जो है परिमाण की आवश्यकता होती है है ना लेकिन यहाँ पे अगर इसकी बात किया जाए तो यह एक सदिश राशि है सदिश यानी कि वेक्टर है ना सदिश राशि है और जिसको पता नहीं है कि आदीस सदिश किसको कहते हैं तो अध का मतलब जो बिना दिशा के हो है ना और जो दिशा के साथ आता हो उसको जो है सदीश बोला जाता है जैसे परिमान के साथ साथ दिशा भी आया दिशा के साथ आया है सदीश राशि है ना यहाँ सिर्फ परिमान आया जिसमें दिशा नहीं है आदिश राशि है ना समझ गए होंगे और अगर इसको और भी अगर बात किया जाए तो इसका जो है और भी चीज़ पे जो है चर्चा करेंगे कि हमारा जो है अधिस सदीश ए तो जान लिए हम है ना लेकिन अब जो है इसका बात आएगा कि हमारा जो है ए राशि जो है ना पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र होता है ना यहाँ पे हमारा इसका अगर बात किया जाए तो हर जगह इसका मान जो है ए, से, ए, सेम रहता है ना यानी कि इसका मान हर जगह समान होता है समान होता है लेकिन इसमें अगर बात किया जाए लेकिन इसका मान हर जगह अलग अलग होता है अलग होता है देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ आप लोग सुने होंगे कि हमारा जो है अगर कोई भी वस्तु का वजन जो हमारा जो है अगर पृथ्वी पे अगर जो है तीस किलो बताया जाता है तो चंद्रमा पे उसका एक बटे छः भाग जो हमारा जो है माना जाता है ना जैसे यहाँ अगर मान लेते हैं कि छः केजी का अगर हमारा जो है कोई वस्तु अगर दिखे तो उसका जो हमारा जो है ए, ए, खास करके वजन हमारा चंद्रमा पे कितना एक के जी का दिखेगा ऐसा मतलब जो है बताया गया है कि एक बटे सिक्स के रूप में हमारा जो है वजन देखने को मिलता है ना यानी कि वजन या भार की अगर बात किया जाए तो चंद्रमा पे जाने के बाद जो है चेंज हो जाता है इसका कहानी आप लोग पहले से जानते होंगे आज पता चला होगा कि एक्चुअल में इसका कहानी क्या है द्रव्यमान नहीं बदलता है जितना हमारा के जी अगर द्रव्यमान होगा वो सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे हमारा जो है इसको न्यूटन में मापा जाता है यानी कि हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पे छः न्यूटन हमारा था तो वहाँ जा कर के जो है एक न्यूटन बदल जाएगा है ना तो ये न्यूटन में होता है लेकिन आ, आप लोग जो है हमेशा जो है के जी ही बोलते हैं इसलिए के जी बोलना ज़्यादा आसान होता है है ना तो आप जो है भली भांति जो है समझ गए होंगे यानी कि भाई ये जो है आ, आ, हर जगह जाएंगे तो जो है अलग अलग मान इसका हो जाएगा लेकिन इसका मान जो है हमेशा जो है सदैव फिक्स रहता है समान रहता है है ना कहीं भी जाए इससे फर्क नहीं पड़ता है, है ना चलिए अब जो बात आया भाई इसको जो है हम लोग जो है इसको इसे साधारण तराजू के द्वारा मापना संभव है संभव है लेकिन अगर इसको बात बोले तो इसको सिर्फ जो है इसे सिर्फ कमानी दार तुला तुल मिस तराजू होता है कमानीदार तुल्ला द्वारा मापा जा सकता है अब ये बात नहीं समझ में आया होगा तो समझाते हैं साधारण तराजू कहने का मतलब हम लोग जो तराजू इस्तेमाल करते हैं उसका बात कर रहे हैं जैसे मान लेते हैं सेब संतरा अनार ये सब मापने के लिए या बहुत सारा जो है चावल किसी के पास से गेहूं है तो उसके लिए जो है डिजिटल तराजू यूज करते हैं है ना तो ये सब जो है सिंपल तराजू बोल सकते हैं ना इसको में कोई झंझट उंझट नहीं होता है और अलग चीज़ नहीं लगाने पड़ता है तो साधारण तराजू द्वारा जो है ये जो है इसको मापना संभव होता है ना लेकिन इसको अगर मापना चाहें तो इसके लिए कमानीदार तुला लाने पड़ता है कमानीदार कहने का मतलब स्प्रिंग वाला जो है एक देखे होंगे उसके नीचे जो है ऐसे मतलब जो है बना हुआ रहता है और इसी में जो है वस्तु को लटकाया जाता है ताकि पृथ्वी से जो है क्या क्या रहे हाँ उस सेंटर से जो है मिल जाए और नीचे से जो है ग्रेविटी उसमें लगे और उसका जो है वजन को जो है माप सके है ना तो ये जो है स्प्रिंग वाला तुला होता है इस तरह से हमारा जो है बना होता है ये एट क्लास में शायद पढ़ना था है ना अगर नहीं पढ़े कोई बात नहीं है ना हम बता देते हैं इस तरह से रहता है इसमें हुक लगा हुआ और यहाँ पे रीडिंग रहता है ना ये इसमें जो है रीडिंग रहता है ऐसे एक दो तीन चार पाँच छः का रीडिंग ऐसे है ना ऐसे रीडिंग रहता है आप जो है जितना अगर यहाँ पे जो है इसको जो है आप तिरिएगा तो उतना जो है ऊपर जो है ये वाला इधर से जो है बटन चढ़ता है ना जैसे मान लेते हैं कि ये तीर है है ना तो जितना नीचे जो है वजनदार वस्तु रखेंगे तो उतना जो है ग्रेविटी नीचे गुना हो जाएगा है ना ग्रेविटी का मान हमारा नाइन होता है सबको पता होगा है ना नाइन जो है सब में गुना होगा तो भाई जितना भारी हमारा जो है वस्तु रहेगा उसमें नाइन पॉइंट एट तो गुना हो ही जाएगा तो उसके साथ माता है यानी कि भाई ये कमानीदार तुला द्वारा माप सकते हैं इसको जो है कमानीदार तुला द्वारा नहीं भी मापे कमानीदार से भी माप सकते हैं साधारण सब से माप सकते हैं ना कोई बात नहीं चलिए तो यहाँ पर छठा जो बात आएगा हमारा भाई कि अब जो इतना देख रहे थे तो ये आप देखे होंगे कि द्रव्यमान जो हमारा होता है वो हमारा जो है द्रव्य तो ये तो लिखी दिए है ना ये तो लिखी दिए हैं, आधारी राशि होता है क्या क्या होता है आधारी राशि आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटी जाने होंगे है ना राशि होता है तो यह जो है क्या होता है आधारी राशि होता है फंडामेंटल क्वांटिटी होता है यानी कि स्वतंत्र हमारा होता है ना इसको जो है ना तो कोई छेड़ सकता है ना कुछ कर सकता है लेकिन ये जो हमारा जो होता है या या व्युत्पन्न राशि होता है व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशि होता है अब व्युत्पन्न राशि क्यों होता है भाई क्योंकि भाई ये हमारा हमेशा जो है ग्रेविटी पे निर्भर करता है है ना इसी के कारण इसको जो है ब्यूतपन राशि बोला जाता है ब्यूतपन उस राशि को बोला जाता है जो हमारा आधारी राशि पे डिपेंड करे है ना तो इसके लिए आधारी राशि कौन कर रहा है मास है ना मास आगे काम तो कर रहा है ना मास जो आप देख रहे हैं द्रव्यमान का इंग्लिश है तो एम गुण जी हमारा होता है जो कि खास करके आधारी पे डिपेंड करता है ब्युतपन राशि हो जाएगा हो, है ना इसी तरह से अगर सातवां लिखना चाहें तो दोनों का ऐसा ही मात्रक इसका ऐसा ही मात्र जो होता है बाबू इसका एसआई मात्रक मात्रक सबको पता होगा के जी होता है ना होता है लेकिन बड़ा ही मतलब जो है अजीब सा बात है कि इसका एसआई मात्रक इसका एसआई मात्रक न्यूटन माना गया है ना माना गया है तो इसका ऐसे ही मात्र न्यूटन माना गया है क्यों क्योंकि इसका जो है फॉर्मूला हमारा होता है मास इंटू ए ग्रेविटेशन है ना एम जी एम जी हमारा होता है तो मास और ग्रेविटी दोनों लग जाता है जिसके कारण जो है ये हमारा जो है न्यूटन में मापा जाता है क्योंकि ये इस तरह से जो है फोर्स काम करता है, है ना तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग के जो है सारा बात समझ में आया होगा तो अगर वीडियो से आप लोग को कुछ सीखने को मिला हो तो ना तो सब्सक्राइब कीजिए ना तो लाइक कीजिए कुछ भी नहीं कीजिए है ना लेकिन भाई अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो शेयर जरूर कीजिए दूसरों को ज़रूर इस वीडियो को दीजिए ताकि जो है हमारे जो है देशवासियों को जो है भला हो सके चलिए थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज़ के साथ और अगले नए टॉपिक के साथ तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत